फ्रेंड्स, आज जय भीम। इस वीडियो के अंदर आज हम बताने जा रहे हैं कि कब मिस्टर गांधी ने बाबा साहब को ये बोला कि ये तो हमारी एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अच्छाई है कि उनके साथ में और उनके लोगों के साथ में इतना बुरा हुआ है, सदियों से इतना बुरा होता हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो हमारा सिर नहीं फोड़ रहे। तो ये उनकी तरफ से एक तरह से जेंटलमैन होने के रीजंस हैं। अब जो ये स्टेटमेंट मिस्टर गांधी ने बाबा साहब अंबेडकर के लिए दिया था, इसका कंटेक्स्ट क्या था और कहाँ ये दिया है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो हमने खोल ली बुक बाबा साहब की, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, चैप्टर थर्ड है ए मीन डील कांग्रेस रिफ्यूजेस टू पार्ट विद इट्स पावर। तो हम आ गए हैं चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर। अब हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर जहां पर मिस्टर गांधी ने ये चीज बोली है। एक्चुअली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर तो क्या कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस ने हिस्सा लिया था और कांग्रेस की तरफ से मिस्टर गांधी उनके रिप्रेजेंटेटिव थे और डिप्रेस क्लासेस मतलब शेड्यूल कास्ट की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनका एक उनके एक फ्रेंड वो रिप्रेजेंटेटिव थे। तो वहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वक्त डिस्कशन चल रहा था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि अनटचेबल्स डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स पृथक निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए और मिस्टर गांधी इस चीज़ का अपोज कर रहे थे। तो वो अपोज करने के दौरान ही ये बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था कि नाउ देन यू आस्क डस डॉक्टर अंबेडकर देयर रिप्रेजेंटेटिव इंसिस्ट ऑन सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर देम। आई हैव द हाइएस्ट रिगार्ड फॉर डॉक्टर अंबेडकर, He has every right to be bitter. मतलब मेरी नजर में, कौन बोल रहा है, मिस्टर गांधी बोल रहे हैं कि मेरी नजर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए हाईएस्ट रिगार्ड है, बहुत ही आदर मान सम्मान में उनका करता हूं और he has every right to be bitter। और वो जो ना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। That he doesn't break our heads is an act of self-restraint on his part। वो हमारे सिर नहीं फोड़ रहे हैं, ये उनकी एक अच्छाई है, उनका एक सहिष्णुता टॉलरेंस है कि वो हमारा सिर नहीं फोड़ रहे है ना। तो इन वर्ड्स के अंदर मिस्टर गांधी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बड़ाई करते हैं, उनको प्रेज करते हैं। फ्रेंड्स, अब इन वर्ड से ऐसा लगेगा कि जैसे मिस्टर गांधी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि हमको जब वो कहते हैं ना कि बकरे को अगर हलाल करना है तो पहले उसको माला वाला पहनाते हैं, पूजा करते हैं उस तरह से, क्योंकि जस्ट इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद में मिस्टर गांधी क्या कहते हैं, ही इज टूडे सो मच सैचुरेटेड विद सस्पिशन दैट ही कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स, ही सीज इन एवरी हिंदू डिटरमाइंड अपोनेंट ऑफ अनटचेबल्स एंड इट इज क्वाइट नेचुरल। मतलब पहले तो सामने वाले की बड़ाई कर दो, ठीक है, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम उनके अगेंस्ट में हैं, और फिर बाद में प्यार से उनकी काटो, है ना। तो ये किया था मिस्टर गांधी ने, और मिस्टर गांधी ने अपने साउथ अफ्रीका वाले एक्सपीरियंस के बारे में बताया था कि मैं जब साउथ अफ्रीका में था तो मुझे मेरे साथ भी जो भेदभाव हुआ था, यूरोपियंस ने जो मेरे साथ भेदभाव किए थे, तब मुझे भी बहुत इस तरह का गुस्सा आया करता था। सो फ्रेंड्स, टू बी प्रिसाइज, कुछ भी हो, मिस्टर गांधी ने बाबा साहब की तारीफ तो की है कि बाबा साहब एक तो हाईएस्ट रिगार्ड रखते हैं वो बाबा साहब के लिए, और दूसरा कि उनको बाबा साहब का जो गुस्सा हो बिल्कुल जायज है, इस बात को मानते हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि वो हमारे सिर नहीं फोड़ रहे, वही बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से मिस्टर गांधी की कमेंट्स हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।